जम्मू कश्मीर की एक 6 साल की बच्ची ने सोशल मीडिया के माध्यम से पीएम मोदी से होमवर्क की भारी बोझ को कम करने की शिकायत की है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्कूली बच्चों पर दबाव को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर में एक नीतिगत बदलाव की शुरुआत की गई है। हालांकि इस वीडियो में बच्ची की भी शिकायत का जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संज्ञान भी लिया है। आइए देखते हैं क्या कहा बच्ची ने। अस्सलामुअलैकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 ईयर्स ओल्ड, मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चन जो होते हैं, जो 6 ईयर्स ओल्ड होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास, एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? आप क्या कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम मोदी साहब, गुड बाय। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट पर शेयर करते हुए कहा, बहुत ही मनमोहक शिकायत। स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। ट्वीट में आगे लिखा गया है कि बचपन की मासूमियत भगवान का उपहार है और उनके दिन जीवंत आनंद और आनंद से भरे होने चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि बच्ची की इस गुजारिश के बाद ऑनलाइन क्लास में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई के बोझ से बच्चों को कुछ राहत मिल सकेगी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।